छोटा था, अब इनको क्या मालूम था वो छोटा बड़ा भारी था। एक बार में जितना परोसा गया था वो तो एक ही बार की थाली उठा के निकाल दिया, दूसरी बार परोसा वो भी खा गया, तीसरी बार परोसा वो भी खा गए, जितना सिंदूर के यहाँ का भोजन था सारा खा गए। द्वारपाल दौड़ कर जाकर बोले सिंदूर महाराज वो तो पूरा खा गया, कुछ नहीं बचा। सिंदूर के मैं राजा महाराजा क्या कमी, लाओ और दो, वो और आखिरी में सिंदूर को लगा मैं पार्वती जी का हाथ पकड़ कर इसलिए ला रहा था कि उनके घर में भोला बना। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी का प्रागट्य होगा और तेरा प्राण हरेगा। सिंदूर की बुद्धि में आया ये कहीं गणेश तो नहीं, गणेश तो नहीं। तब सिंदूर उस बालक के साथ में युद्ध करने के लिए आतुर हुआ, और सिंदूर जब बालक के साथ युद्ध करने को आतुर हुआ तब गणेश जी महाराज ने सिंदूर के प्राणों को हरने के लिए जो प्रहार करा अंकुश का ऐसा प्रहार तड़पने लगा प्राणों को हरा, रक्त की धार निकली। जो रक्त की धार निकली तो सिंदूर मरते मरते हाथ जोड़कर कहता है मुझे क्षमा, मैं ब्रह्मा के मुख से जवाही द्वारा निकला हूं, मेरा नाम सिंदूर है। यम भी मुझसे दूर रहते हैं, आप कृपा करो दया मेरे शरीर से निकले हुए इस रक्त को, मेरे शरीर से निकले हुए इस भाव को आप अपने तन पर धारण करो गजानन, और वर दीजिए ये सिंदूर जिस जिस स्थान पर होगा वहां यम के दूत भी निगाह न कर सके, ऐसा वर दे दीजिए। ये वर दे, ये अखंडता दे, अखंडता। सिंदूर कहते हैं मेरी मृत्यु आपके द्वारा लिखी थी, इसलिए मैं पार्वती माता को लेकर जा रहा हूं। आज मैं सिंदूर गजानन आपके चरणों को नस्तक रख कर ये मांगना चाहता हूं कि जिस नारी के मांग में मस्तक पर ये सिंदूर रहेगा उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा। ये वरत अखंड का वरत है गजानन आपके तन पर, ये मेरा सिंदूर, ये मैं आपके तन पर सदा रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु सब एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर सिंदूर को वर के रूप में दिया कि गजानन ही नहीं जिस भी देवता के संग में सिंदूर तेरा सानिध्य होगा और ये सिंदूर तेरी भी अखंडता रहेगी और यम के दूत उस जगह से दूर रहेंगे। गणेश जी महाराज सिंदूर अपने तन पर धारण कर लिए, वही सिंदूर श्री हनुमंत लाल जी ने भी कृता में धारण किया, वही सिंदूर श्री भैरव बाबा ने अपने तन पर धारण करा, क्योंकि विनायक श्री गणेश जी महाराज ने सिंदूर की महत्ता का व्याख्यान वर्णन किया। प्रयास किया हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है, जब मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, दीपावली का पूजन हो, कोई विशेष फंक्शन हमारे यहाँ होता है तो दरवाजे पर स्वस्तिक सिंदूर का बनाया गृहस्थ में घोल कर गाय के घी में उसको घोल कर स्वस्तिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां यम के दूत की भी दृष्टि नहीं पड़ती, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। सिंदूर की इतनी महत्वता, नारी क्यों सिंदूर लगाती है अपनी मांग में?
सिंदूर की महत्वता नारी के जीवन में क्यों होती है? उसका कारण केवल इतना सा होता है कि उसके मस्तक पर अगर सिंदूर है तो किसी की दृष्टि का उस पर ना पड़े, किसी की कुदृष्टि उस पर ना पड़े। और नारी का अखंड सौभाग्य उसके जीवन में रहे, अखंड सौभाग्य। दो चीजें बड़ा भारी होती है, एक मांग का सिंदूर अरे गले में पड़ा हुआ मंगल, जमके बोलो जमा मंगल सूत्र। मंगल सूत्र को अगर आप देखोगे तो मंगल सूत्र में काला दाना फिर पीला दाना, सोने का दाना, ठीक है, काला दाना फिर सोने का दाना। मंगल सूत्र में सोने ही सोने का दाना नहीं होता, मंगल सूत्र में काला दाना और सोने का दाना होता है, आखिरी में एक पेंडिल होता है। मंगल सूत्र हमारे को स्त्री को जब शादी का समय होता है उसका पति उसके गले में जो मंगल सूत्र पहनाता है उस मंगल सूत्र में काला पीला, काला फिर सोने का, काला फिर सोने का दाना, फिर पेंडिल होता है। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में पति पत्नी को क्यों पहनाता है? उसका एक कारण होता है, पति पत्नी के गले में मंगल सूत्र देते समय कहता है इस मंगल सूत्र को देख लो, इसमें काला धागा है तो एक पीला दाना है, मतलब अपनी जिंदगी पूरी एक जैसी कभी नहीं रहती, जीवन में काले दिन भी आते हैं तो सोने जैसे चमक वाले दिन भी आएंगे और जीवन को हमें जीना। अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे, काले अगर मोती पड़े हैं तो सोने का मोती भी पड़ा है, कुछ दिन अगर काले निकलेंगे तो सोने का दिन अर्थात अच्छे दिन भी आएंगे। ये दिन चलते 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 जो आखिरी में पेंडिल है उस पर पहुंचेगा, मतलब एक ना एक दिन जीवन का ऐसा आता है कि हमारे जीवन को हम सुखमय जीने का तरीका सीख जाते हैं। वो मंगल सूत्र मांग का सिंदूर नारी के तन पर पड़ा हुआ 16 श्रृंगार में से एक एक श्रृंगार नारी के जीवन के एक आनंद को दर्शाता है। आनंद।